Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छः फुट की दूरी मेंटेन रहे, कोई भी मरीज या उसका तीमारदार बिना मास्क के ना आए। चैम्बर में एक एक करके बुलाया जाता है, चैम्बर में तीन चार पांच लोगों को एक साथ नहीं बुलाया जाता। और उसके बाद जिस मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आती है कोविड 19 की, उसी को भर्ती किया जाता है। जिसकी पॉजिटिव आती है उसको मेडिकल कॉलेज या मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज या सुभारती, जहाँ भी मरीज जाने की इच्छा होती है वहाँ पर भेज दिया जाता है उसको। जी, तो सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपको पता होगा अगर क्रिटिकल पेशेंट या इमरजेंसी वाला पेशेंट की स्थिति बन जाती है तो उस कंडीशन में किस तरह से आप एहतियात करवा सकते हैं? देखिए, क्रिटिकल पेशेंट को मैनेज करना ये अस्पताल की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। उसको इमरजेंसी में लेते हैं, उसके इमरजेंसी मैनेज कराते हैं, इन द मीन टाइम उसका कोविड टेस्ट करा लेते हैं। अगर वो निगेटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट जारी रखते हैं, अन्यथा उसको फिर मेडिकल कॉलेज या मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज या सुभारती भेज दिया जाता है। एक चीज़ मैं और जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दिन में चार बार ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन से पहुँचा और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से दीवारें वगैरह की और उसकी पूरे हॉस्पिटल की सैनिटाइज होता है। यानी कि लगातार जो है पूरे आते हैं तो का आदेश है वो पूरी तरह से आप यहाँ पर बलता जा रहा है, तो पालन हो रहा है उसका, पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और इस बीमारी को रोकने के लिए जितने भी प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं सारे के सारे लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख रहे थे, आपको बता दें कि जो सीएमओ सर जो आदेश है सीएमओ सर का, उसका यहाँ पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। डॉक्टर जो हमारे साथ थे, यहाँ के डायरेक्टर हैं अक्षय कुमार जैन जी, उनका भी यहाँ पर जो है बयान आ गया है और पूरा हॉस्पिटल यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है और सबसे पहले यहाँ पर बाहर ही साबुन लगा और यहाँ पर पाइप लगा रखा है, पहले हाथ धोइए उसके बाद हाथ सैनिटाइज करिए और अंदर आइए, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर जाइए और टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप यहाँ पर, एक तीमारदार भी एक ही आएगा, एक से ज़्यादा कोई तीमारदार भी अलाउ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर कोई सब कोरोना पॉजिटिव केस वगैरह मिला? उसको जो रिपोर्ट आती है रिपोर्ट के बाद उसको तुरंत भेज दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़, मैं हूं अजीत सिंह। लगातार हम आपको मेरठ के अस्पतालों के बारे में दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार जो सीएमओ साहब का आदेश है वो आ चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी हो चुकी है अस्पतालों में, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और जो कोरोना से बचने के एहतियात हैं वो पूरे वहाँ पर बढ़ते जाएँ ताकि जो एक कोरोना की चैन लगातार बढ़ती जा रही है इसको कहीं ना कहीं तोड़ने में हम कामयाब हो सके। तो और इसका आपको बता दें जो अभी कई अस्पतालों पे कार्रवाई भी हो चुकी है, वो उनके लाइसेंस भी रद्द हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था, एक से ज़्यादा तीमारदार उनके वहाँ पर मौजूद थे। तो इसी के चलते आज हम पहुँचे हैं गिरी पुष्पा आरोग्य हॉस्पिटल में और जो इसके डायरेक्टर हैं अक्षय कुमार जैन जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, तो सर से जानेंगे किस तरह से उनके अस्पताल में एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और क्या वो पूरी प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बताइए सर। देखिए, जो सीएमओ साहब के आदेश हैं, जो प्रशासन के आदेश हैं कोविड इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उनका पूरा सख्ताई से पालन किया जा रहा है। हालांकि कई बार मरीजों की तीमारदारों से थोड़ी सी कहा सुनी भी संबंध में हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन सारे नियमों को पालन करने में जुटा हुआ है। अच्छा, तो सर जब आप यहाँ पर पेशेंट लेते हैं तो क्या उसका सबसे पहले कोरोना टेस्ट किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो अस्पताल के गेट में प्रवेश करने से पहले जो गेट कीपर है वो खुद अपने आप पूरे PPE किट के साथ मुस्तैद रहता है। आने वाले सभी मरीज और उनके तीमारदार, उनके साबुन से हाथ धुलवाए जाते हैं। साबुन से हाथ धुलवाने के बाद फिर उनका हाथों का सैनिटाइजेशन किया जाता है। उसके बाद फिर जो मरीज दिखाने वाला है उसका ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के दृष्टिकोण से उससे फॉर्म फिलअप कराया जाता है और जिसमें कोविड 19 का डाउट होता है उसको कोरोना टेस्ट के लिए कैंट अस्पताल या प्यारेलाल शर्मा अस्पताल भेजा जाता है, जिसमें कोई डाउट नहीं होता है या जिसके बीमारी चेस्ट इन्फेक्शन या उससे संबंधित नहीं होती,
उसी को एक एक करके ओपीडी के अंदर भेजा जाता है। और ओपीडी के अंदर भी काफ़ी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 6 फुट की दूरी मेंटेन रहे, कोई भी मरीज या उसका तीमारदार बिना मास्क के ना आए। चैम्बर में एक एक करके बुलाया जाता है, चैम्बर में 3-4-5 लोगों को एक साथ नहीं बुलाया जाता। और उसके बाद जिस मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आती है कोविड-19 की, उसी को भर्ती किया जाता है। जिसकी पॉजिटिव आती है उसको मेडिकल कॉलेज या मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज या सुभारती, जहाँ भी मरीज जाने की इच्छा होती है वहाँ पर भेज दिया जाता है उसको। जी, तो सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपको पता होगा अगर क्रिटिकल पेशेंट या इमरजेंसी वाला पेशेंट की स्थिति बन जाती है तो उस कंडीशन में किस तरह से आप एहतियात बरतते हैं? देखिए, क्रिटिकल पेशेंट को मैनेज करना ये अस्पताल की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। उसको इमरजेंसी में लेते हैं, उसके इमरजेंसी मैनेज कराते हैं, इन द मीन टाइम उसका कोविड टेस्ट करा लेते हैं। अगर वो निगेटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट जारी रखते हैं, अन्यथा उसको फिर मेडिकल कॉलेज या मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज या सुभारती भेज दिया जाता है। एक चीज़ मैं और जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दिन में 4 बार ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन से पहुँचा और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से दीवारें वगैरह की और उसकी पूरे हॉस्पिटल की सैनिटाइज होता है। यानी कि लगातार जो है पूरे आते हैं तो का आदेश है वो पूरी तरह से यहाँ पर बलता जा रहा है, तो पालन हो रहा है उसका, पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और इस बीमारी को रोकने के लिए जितने भी प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं सारे के सारे लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख रहे थे, आपको बता दें कि जो सीएमओ सर का, उसका यहाँ पर पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। डॉक्टर जो हमारे साथ थे, यहाँ के डायरेक्टर हैं अक्षय कुमार जैन जी, उनका भी यहाँ पर जो है बयान आ गया है। और पूरा हॉस्पिटल यहाँ पर सैनिटाइज किया जाता है, और सबसे पहले यहाँ पर बाहर ही साबुन लगा और यहाँ पर पाइप लगा रखा है, पहले हाथ धोइए उसके बाद हाथ सैनिटाइज करिए और अंदर आइए, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर जाइए और टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप यहाँ पर, एक तीमारदार भी एक ही आएगा, एक से ज़्यादा कोई तीमारदार भी अलाउ नहीं है। फिलहाल यहाँ पर कोई सब कोरोना पॉजिटिव केस वगैरह मिला? उसको जो रिपोर्ट आती है रिपोर्ट के बाद उसको तुरंत भेज दिया जाता है। तो यहाँ सर का कहना है, डॉक्टर साहब का, कि अगर कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो पूरी प्रोकेशन पीपी किट पहनने के बाद पहले तो उसका ट्रीटमेंट होता है, और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो सीधा मेडिकल कैंट बोर्ड या फिर आपके सुभारती कहीं भी उनको रेफर कर दिया जाता है। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, आईएसएन 7 न्यूज़।